रिसेंटली आपको भी ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन तो बहुत बढ़ रहा है लेकिन हमारे एफडी रिटर्न, के रिटर्न्स एक्चुअली हो रहे हैं और क्या हमें बेटर स्कीम में स्विच हो जाना चाहिए जैसे कि एनसीडीज तो में हम जानेंगे टाइम पर कैसे ऑप्शन रहेंगे तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे हैं एंड क्विकली मैं आपको बता दूं आप यूज कर सकते हैं कूपन को आपको मिलेगा मैक्सिम डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर तो अब आपकी स्क्रीन पे मैं आपको एक मैसेज दिखाती हूँ जो मुझे मेरे WhatsApp पे आया जहां पे ये लिखा हुआ था कि मुझे एनसीडीज में इन्वेस्ट करने पर 10.45 पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है ये एफ से कितना ज्यादा ल्यूक्रिएटिव है एफ डी जहां पर सिम्बर समवेयर अराउंड 5.8 से 7 परसेंट का इंटरेस्ट रेट्स दे रही है मतलब अगर ज्यादा बेटर बैंक होगा तो एफडी का इंटरेस्ट रेट भी बेटर होगा लेकिन वॉट कैन बी बेटर देन आपको पता होने चाहिए सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहला हमारे पास एनसीडीज का रिस्क आता है लिक्विडिटी एफडीज में हमें क्या फायदा मिलता है बेशक उनका मेच्योरिटी होती है लंबी लेकिन फिर भी हम उन्हें प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं थोड़ी सी पेनल्टी पड़ती है बट फिर भी

के तौर पे बताती फ्रैंकलिन का केस याद है जब फ्रैंकलिन जैसी कंपनी ने डिफॉल्ट करना शुरू किया एंड लोगों को अपने पैसे वापस चाहिए थे प्रॉब्लम ये थी कि जो भी उनके पास पॉलिसीज थी या जो भी उन्होंने डेट फंड्स में इन्वेस्ट करके रखा था उनसे कोई ले ही नहीं रहा था यानी कि लिक्विडिटी ही नहीं थी लोग उनका वो प्रोडक्ट बाय ही नहीं करना चाहते थे सो वी वर स्टक कब तक जब तक जब प्रोडक्ट नहीं हो जाता तो क्या आप ऐसे प्रोडक्ट में फंसना चाहते हैं जहां पर लिक्विडिटी का रिस्क आपके पास हमेशा रहे चलो दूसरे रिस्क की बात करते हैं जो कि आता है कंपनी रिलेटेड रिस्क यानी कि सेफ्टी से जुड़ा हुआ रिस्क अब अगर मैं हमारी एफडीज की बात करूं तो यू you नो know, हमें वहां पे एक तरीके का इंश्योरेंस है मतलब हम इंश्योर्ड है कैसे बाई डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपोरेशन ये बोलते हैं कि आपका पांच लाख तक का जो कवर है वो इंश्योर करते हैं अगर मान लो वो बैंक में कोई फ्रॉड हो जाता है या वो डिफॉल्ट कर लेता है आपको और मेरे को सबको पता है बैंक ऐसे ईजिली डिफॉल्ट करते नहीं कर भी रहे तो जैसे येस बैंक का केस था वहां पे गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है बिकॉज बैंक हमारी यू नो इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरेटिंग सिस्टम है तो वहां पर डिफॉल्ट किसी के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है पहली बात तो डिफॉल्ट होना मुश्किल है हो गया तब भी आपको पांच लाख का कवर है पर एनसीडी की क्या गारंटी है एनसीडी वाले बोलते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो बस एक चीज का ख्याल रखो कि जिस भी आप इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी क्रेडिट रेटिंग चेक कर लो पर अच्छा चलो अगर हम क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं तो वहां पर मेरे पास दो और एग्जाम्पल हैं आपको देने के लिए सबसे पहला डीएचएफएल एंड दूसरा आई एल एंड एफ एस इन दोनों ही कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग की थी लेकिन जब इन्होंने डिफॉल्ट किया तो क्रेडिट तो एकदम से कम हो गई आपकी कैपिटल तो के के नहीं मिलती इवन दो आप बेटर रेटिंग के प्रोडक्ट्स को भी चूज कर लोग नॉट यू नो गार्टी यू द बेटर रिटर्न अब आपको मैं आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिखाती हूँ यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर कंपनी के नाम दिखेंगे एंड वहां पर रेटिंग दिखेंगी बाई फेमस रेटिंग एजेंसी जैसे कि क्रिजाल

अगर आपको बेटर रेटिंग वाला प्रोडक्ट भी मिल जाता है तब आप उस केस में नोटिस करोगे कि उनका इंटरेस्ट रेट कुछ बहुत हाई नहीं होता वैसा ही सिमिलर इंटरेस्ट रेट आपको एफडी में भी मिल जाता है एंड सिर्फ पॉइंट से ज्यादा इंटरेस्ट के लिए आप इतना बड़ा रिस्क लेना चाहोगे या एफडी में ही इन्वेस्टेड रहना चाहोगे तीसरा रिस्क आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क इंटरेस्ट रेट हम सबको पता है दैट पे इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं होता लेकिन NCDs पे इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपको अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन करनी है